नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सतना के मेहर त्रिकूट पर्वत में विराजमान है सती की छोटी बहन शारदा माँ। जिले के मेहर तहसील से 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट नामक एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर आदिशक्ति माँ जगजननी शारदे के रूप में विराजमान है। यहाँ हर वर्ष माँ के दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन साल में आने वाली 2 नवरात्रि में 9 दिनों तक बहुत बड़ा मेला लगता है जहाँ माँ के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। किंवदंती है कि माँ सती रूपा का कोई अंग तांडव के दौरान इसी पर्वत पर गिरा था। वेद पुराणों में इस पर्वत को त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है। किंवदंती यह भी है कि महोबा विरासत के राजा आल्हा माँ शारदा की बहुत तपस्या किया करते थे, जो प्रतिदिन महोबा से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित माँ के दर्शन करने प्रतिदिन आया करते थे, जिनकी भक्ति से एक दिन माँ प्रसन्न हुई और साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्त आला से अपनी इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब आला ने अपने और अपने भाई उदल के अमर होने का वरदान मांगा था। तब से लेकर आज तक सबसे पहले यहाँ माँ शारदा की पूजा आला उदल ही करते हैं, जिनको आज तक किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन प्रमाण के तौर पर माँ पर चढ़े हुए ताजे फूल गवाही का प्रमाण बनते हैं। इस बात की गवाही नियुक्त पुजारी भी हैं, जो बताते हैं कि जब यहाँ माँ की आरती के लिए हम दरवाजा खोलते हैं तो प्रतिदिन माँ के चरणों में ताजे फूल माँ के चरणों में चढ़े हुए मिलते हैं। दूसरा, संगीत के महारथी उस्ताद अलाउद्दीन खान को भी माँ शारदे का वरदान मिला था। उन्हीं की कृपा से अलाउद्दीन खान ने बंदूक की नालियों से एक ऐसे वाद्य वृंद की रचना की थी जो पूरे विश्व में चर्चित हुआ। सतना जिला ब्यूरो, जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।